चलो ना थोड़ा बह समझ टेकआउट सम नंबर स्केल नहीं है स्केल नहीं है All of you take sum number 10. हाँ बोल. 10 sum with current account it is. 10 sum with current account. ये ब्लू पाउच किसका है? जयविन बोल रहा है ना सीए बैच में ब्लू पाउच ब्लू पाउच एक सम नंबर 10 आया आंसर आया क्या मिस्टर कैसे होमवर्क क्लियर है सबको करंट वाला सम नंबर 10 देखो कौन से अकाउंट है हाउ मेनी अकाउंट वी ड्रॉ बोलो चार अकाउंट बराबर है डोंट हैव लोन सो यू हैव रियलाइजेशन पार्टनर्स करंट कैपिटल एंड बैंक सम नंबर 10 सॉल्व करो ट्राई करो खुद से आई ऑल्सो सॉल्व चेक कर लो आंसर करंट अकाउंट का सम है आज इंसॉल्वेंसी स्टार्ट होगा इसके बाद इंसॉल्वेंसी करवा सम नंबर 10 खुद से ट्राई करो कम ऑन ऑल ऑफ यू ट्राई सम नंबर 10 15 मिनट में उड़ाओ Come on, quick. Guys, quick. Please be quiet. Padhapad karo. 15 minutes, wind up fast. Three partners, I'll also solve it. Check the answers. उसमें टाइपराइटर का एडजस्टमेंट है वही इम्पोर्टेंट है दिमाग से करो थोड़ा तुम्हारा एडमिशन रिटायरमेंट डेट का टेस्ट ये संडे नहीं है इम्पोजिशन लॉ किसी का बाकी है सेंड द इम्पोजिशन कम ऑन बाकी लोग फाइन कर नहीं चलिए रिटायरमेंट डेट को आता है ना वो तो आइटम ऑब्जेक्टिव आता है रिटायरमेंट डेट पास आगे करो फटाफट ईद को दाना कितना आया फटाफट और किसका बाकी नहीं है ग्रुप में नित्य है मेरे पास नाम का लेक्चर लेक्चर के एंड में पकड़ने वाला ही है जिसका जिसका बाकी है वो रोक है पार्टी हाफ वे है फटाफट करो चलो या शाह गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रूटी पाए
थोड़ा जी ऊपर होता है सर फाइन पर बता बताओ सर पांच नहीं कम्युनिस्ट कम्युनिज्म इज अ डिजास्टर करंट अकाउंट प्रॉब्लम है वोट्स में लास्ट तीन चार साल पहले आया था अभी काफी चांसेस है कि आएगा चलो जय बेन चश्मा किधर है टूट गया आ गया है करने का ना बात तो बताऊं नेक्स्ट सम है ना बड़ा बैठो उड़ाओ बैकडेट्स का क्या यूज है बैकडेट्स का डेटर में से माइनस बाकी रियल है अरे तो वही तो है बैकडेट हटे हो तो बाकी आ गया ना डेटर से पैसा कॉमन से गाइस बैकडेट्स का मतलब क्या समझ में आया बैकडेट्स मींस डेटर से उतना पैसा ज्यादा है कि कम 13,000 में से 1,800 उड़ा दो सो 11,200 इज व्हाट यू रियलाइज फ्रॉम डेटर्स और एक एडजस्टमेंट है ये इंपॉर्टेंट है फिफ्थ वाला देर वॉज एन अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर ऑफ 1,000 विच वॉज टेकन ओवर बाय वर्षा फॉर 900 तो ये क्या है एसेट टेकन ओवर रिकॉर्डेड था अनरिकॉर्डेड बुक वैल्यू तो जीरो था भले 1,000 का था टेक ओवर कितने में हुआ तो वैल्यू कौन सी लोग 900,000 का कुछ लेना देना बुक में कितने का था जीरो और कितने में गया 900 कितने का कितने में बीच में वो 1,000 का हो 1,00,000 का हो 2,00,000 का हो 5,00,000 का अपने को भी फर्क अभी एंड में कितना कितने में गया 900 कितना वैल्यू रहेगा 900 इज इट क्लियर 1,000 का कोई लेना देना नहीं इग्नोर 1,000 इज दिस क्लियर कम ऑन बैड डेट्स का मतलब उतना डेटर से पैसा नहीं मिला डेटर्स 13,000 है ना उसमें से 1,800 नहीं मिला बाकी 11,200 मिला दैट इज रियलाइज दैट इज व्हाट इज देयर गिवन बैड डेट्स मतलब बाकी का डेटर कैश दे दिया बाय कैश लास्ट समय भी तो था डिस्काउंट अलाउड एंड बैड डेट्स दोनों का 2,100 1,400
2100 एंड 1500 था ना प्रीवियस लास्ट टू लास्ट सम प्रीवियस लेक्चर भी डिड इट वाज आई थिंक सम नंबर ऊपर वाला ही है 9 डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स तो उतना पैसा कम आया हटा बाकी का रियलाइज हो गया। हाँ जी क्या बोल रहे थे इधर बैठा क्या हो गया तभी शिवान चलो गाइस क्विक जेमिन डेट्स का नहीं आएगा डेटर्स में से इतना नहीं आया बाकी डेटर्स रियलाइज 11-200 इज इन बाय कैश कैश है तो कैश लिखना है बैंक है तो बैंक Thank you.
प्रॉफिट लॉस क्या है डिवीजन टाइपराइटर वाला पार्ट समझा डेटर वाला समझा डेटर डेटर पार्ट यू अंडरस्टूड Thank you.
काम करो बना लो एक सम में कर लेते हैं शिव सिंह आने का चार्ज नहीं है सेफ साइड के लिए जस्ट वन सम में कम ऑन जर्नल जर्नल ड्रॉ कर लो बराबर फटाफट लिखो जर्नल ड्रॉ करो हाँ दोनों नहीं है क्या जर्नल या रिजोल्यूशन पूरा करो करंट अकाउंट के साथ आता नहीं है भी नहीं बट एक साइड के लिए बैठ गए चलो बताओ फर्स्ट एंट्री क्या होगा लिखो जनरल रिजर्व टू विद्या वर्षा वृंदा का बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड देखो जनरल रिजर्व टू विद्या वर्षा वृंदाकरण बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड विथ नरेशन बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड जनरल रिजर्व टू विद्या वर्षा वृंदाकरण बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटर इज द नेक्स्ट एंट्री बिग जनरल बिग जनरल क्या होगा ये रियलाइजेशन टू लिखते जाओ सब रियलाइजेशन टू प्लान टू फर्निचर टू इन्वेस्टमेंट टू स्टॉक टू डेटर्स रियलाइजेशन टू प्लान to furniture, to investments, to stock, to debts. Big sundry assets transferred to realization. Big sundry assets transferred to realization. Big sundry assets transferred to realization. Sundry assets transferred to realization. What next? Kya hoga ye entry? Creditors RDD to realization. Creditors RDD to realization. Creditors RDD to realization. B. Sundry liabilities transferred to realization. B. Sundry liabilities transferred to realization. Please be quiet. Big sundry liabilities transferred to realization. Creditors RDD to realization. क्या होगा इसके बाद वाला? Cash to realization. ये वाला. एसेट सोल्ड का क्या करोगे एंट्री कैश टू रियलाइजेशन 45-1 कैश टू रियलाइजेशन 45-100 कैश टू रियलाइजेशन 45-100
नरेशन बीइंग एसेट्स रियलाइज सन्ड्री एसेट्स रियलाइज यस एक ओवर यू कैन क्लब बीइंग सन्ड्री एसेट्स रियलाइज बीइंग सन्ड्री एसेट्स रियलाइज सोल्ड या रियलाइज ओके क्या करोगे नेक्स्ट ये क्लब कर सकते हो ये क्या होगा वर्षा विद्या टू रियलाइजेशन वर्षा करंट विद्या करंट टू रियलाइजेशन वर्षा करंट विद्या करंट टू रियलाइजेशन बीइंग सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर बीइंग सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर बीइंग सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर ओके नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट रियलाइजेशन टू कैश 11800 रियलाइजेशन टू कैश 11800 रियलाइजेशन टू कैश 11800 बीइंग व्हाट सन्ड्री लायबिलिटीज पेड ऑफ बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज पेड ऑफ Being sundry liabilities paid off. What next? Vidya Varsha Vrinda current to realization. Vidya Varsha Vrinda current to realization. Vidya Varsha Vrinda current to realization. Being realization loss transferred to partner's current. Being realization loss. Transferred to partner's current. B. Realization loss. Transferred to partner's current. Realization loss. Transferred to partner's current. What next? Via current, Varsha current to capital. Iske baad ये वाला एंट्री है इसका अलग रखना इसका अलग रखना ओके इन दोनों को आप मर्ज कर सकते हो इसका क्या होगा एंट्री नंबर 1 पूरा पूरा लिखना है विद्या करंट वर्षा करंट टू विद्या कैपिटल टू वर्षा कैपिटल अलग अलग आएगा इट्स नॉट पार्टनर करंट टू पार्टनर कैपिटल गॉट इट इंडिविजुअल अकाउंट लिखना है एंट्री में कैसे लिखोगे विद्या करंट डेबिट वर्षा करंट डेबिट टू विद्या कैप टू वर्षा कैप विद्या करंट वर्षा करंट टू विद्या कैप टू वर्षा कैप विद्या करंट डेबिट वर्षा करंट डेबिट टू विद्या कैप टू वर्षा कैप विद्या करंट वर्षा करंट टू विद्या कैप टू वर्षा कैप विद्या करंट डेबिट वर्षा करंट डेबिट टू विद्या कैप टू वर्षा कैप 320-3420-320-3420 being narration क्या होगा balance in partners current transfer to partners capital being balance in partners current transfer to partners capital being balance in partners current transfer to partners capital being balance in partners current transfer to partners capital Mila, what next? ये वाला मत भूल जाना इसका क्या होगा वृंदा कैप टू वृंदा करंट वृंदा कैप टू वृंदा करंट बीइंग वृंदा कैप टू वृंदा करंट बीइंग क्या लिखेगा बैलेंस इन Partner capital balance in partner current transfer to partner's capital. Narration is same for both. Balance in partner's current transfer to partner's capital. Balance in partner's current transfer to capital. कभी current में नहीं जाएगा. Current ही capital में जाएगा. Whatever side it is, doesn't matter. Narration is same. Common sense रखो साथ.
ओके बैलेंस इन पार्टनर्स करंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर फाइनल सेटलमेंट एक ही एंट्री में हो जाएगा। क्या होगा ये? विद्यावर्षा वृंदा कैप टू बैंक कैश है, कैश विद्यावर्षा वृंदा कैप टू कैश, विद्यावर्षा वृंदा कैप टू कैश, विद्यावर्षा वृंदा कैप टू कैश बीइंग फाइनल सेटलमेंट में, बीइंग फाइनल सेटलमेंट में, बीइंग फाइनल सेटलमेंट में, नाउ दे आर डूइंग सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी, दिस इज समथिंग न्यू। वन ऑफ द पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, सी सम नंबर 22। मुझे पहले 22nd सम देख के बताओ कौन सा अकाउंट्स बनाना है। सम नंबर 22 व्हाट अकाउंट्स विल बी मेकिंग? थ्री अकाउंट्स, ओके सिंपली रियलाइजेशन कैपिटल एंड बैंक। ओके देयर इज नो करंट, ऑल्सो देयर इज नो लोन, अंडरस्टूड? हेलो, थ्री अकाउंट ड्रॉ फर्स्ट, स्टार मार्क करना 22। This is called as single partner insolvency. क्या बोलते हैं इसको? मतलब see partnership firm का logic क्या होता है? This partnership firm is a type of business where your liabilities are unlimited. Liabilities are unlimited as well as joint and several. Unlimited का मतलब क्या है? कि अगर partnership firm bankrupt हो जाता है, okay, तो personal property सब attach हो जाएगा to pay off business dues. ये लफड़ा एलएलपी में नहीं होता। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज लाइक कॉर्पोरेट कंपनीज, उसमें आपने जितना कैपिटल डाला है वो जीरो हो जाए, बार बार प्रॉपर्टी अटैच करने की जरूरत नहीं होती। बट सोल प्रोप्राइटरशिप और ये ट्रेडिशनल पार्टनरशिप जो 1932 के एक्ट में रजिस्टर होती है अग्रीमेंट के थ्रू, ये अनलिमिटेड पार्टनरशिप होती है। कैसी होती है? अनलिमिटेड, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टीज एंड ऑल कैन बी अटैच्ड, नंबर वन। ऑल्सो द लाइबिलिटीज आर ज्वाइंट एंड सेवरल, मतलब एक पार्टनर अगर उठ गया बैंकरप्ट हो गया तो बाकी तो ऐसा नहीं बोल सकते वो उठ गया वो नहीं चुका पाएगा तो हम क्यों चुकाए, नहीं। एक भी पार्टनर अगर उठ गया अगर वो लाइबिलिटी नहीं चुका पा रहा है तो बाकी दो को उसका इंसॉल्वेंसी शेयर करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? दो पार्टनर बैंकरप्ट हो जाते तो तीसरे को
दोनों का बैंक्रप्सी शेयर करना पड़ेगा, उनका सारा ड्यूज मतलब बिजनेस ड्यूज सब चुकाना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? वो करते करते भले ही तीसरा पार्टनर भी बैंक्रप्ट हो जाए, सॉल्वेंट से बेचारा इंसॉल्वेंट हो जाए, फिर भी झक मार के करना पड़े। ये रीजन से काफी लोग इनिशिएटिव लेने से डरते थे, रिस्क लेने से डरते थे। इसके लिए LLP लॉन्च किया गया 2008-09 में। अब्रॉड में तो काफी सालों से है, इंडिया में केम इन द ईयर 2008-09 LLP एक्ट। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का एडवांटेज क्या है? आपका लाइबिलिटीज आर फिक्स्ड अप टू कैपिटल। जैसे कंपनी में जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो उतनी आपकी लाइबिलिटी है। अभी रिलायंस का उठ के लॉसेस में चला जाए तो मेरा घर बार बिकने वाला नहीं, समझा? जैसे LLP में अगर मैं पार्टनर हूं तो मैंने जितना कैपिटल डाला है ना, खाली वो जीरो हो जाएगा। घर बार बेच के मेरे को पैसा डालने का जरूरत नहीं। LLP का एक और एडवांटेज क्या है? LLP में समझो 6-7 पार्टनर और 2-3 पार्टनर ने कुछ भी फालतू का डील कर दिया, लॉसेस कर दिया, तो बाकी पार्टनर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑफ दोज लॉसेस। LLP इज रिस्पॉन्सिबल। तो तुम्हारा पर्सनल प्रॉपर्टी ऑपर्टी का कोई टेंशन लेने का जरूरत, यू आर डीलिंग विद द बिजनेस कंपनी, कॉर्पोरेट के साथ डील कर रहे हो, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है। जैसे कंपनी पड़ा होगा उसी में, कंपनी एज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर आते जाए चले जाए, आते जाए चले जाए, मर जाए, कंपनी वैसे ही चला रहेगा। तो LLP भी वैसा कॉर्पोरेट बॉडी रहता है, लीगल कॉर्पोरेट बॉडी। ओके, तो दैट्स एन एडवांटेज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो नाउअडेज मेनी ऑफ द पार्टनरशिप्स आर रजिस्टर्ड अंडर LLPs ओनली, नॉट अंडर जनरल पार्टनरशिप। सो दिस इज जनरल पार्टनरशिप। इसमें लाइबिलिटीज आर ज्वाइंट, सेवरल एंड अनलिमिटेड। व्हाट इज अनलिमिटेड? पर्सनल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज ज्वाइंट एंड सेवरल? वन फॉर ऑल फॉर वन। तब एक ने भी लोचा मारा, एक अभी यहाँ पे बैंकक्रप्ट हो गया। कौन बैंकक्रप्ट हो गया? देखोगे ना, देवानंद वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, दिख रहा है? तो वो बैंकक्रप्ट हो गया, तो उसका जो इंसॉल्वेंसी लॉस है वो कौन बेयर करेगा? बाकी दो। इन विच रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हाट इज दैट लॉस एंड हाउ आर वी गोइंग टू शेयर इट? दैट इज द मेन थिंग इन द प्रॉब्लम। नाउ फोकस, पे अटेंशन। नया टाइप है, ओके? अब तक नॉर्मल सम कर रहे थे जहां पे बहुत पैसा था हमारे पास, अभी भी बहुत पैसा है क्योंकि पूरा बिजनेस इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, खाली एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, बिजनेस के पास अभी भी पैसा पड़ा हुआ है। तो पहला स्टेप क्या था? एम्प्टी द बैलेंस शीट। दूसरा क्या था? सेल आउट द एसेट्स। तीसरा क्या था? वो सब कुछ सेव। जब कैपिटल पे जाएंगे ना क्लोजर के वक्त, तब वो इंसॉल्वेंसी पार्ट आता है। तो पहले 3 स्टेप फटाफट उड़ा देते हैं, एम्प्टी द बैलेंस शीट करते जाओ। फर्स्ट 3 स्टेप्स क्विकली, लेट्स फाइंड अप कैश एट बैंक है, तो 2 बैलेंस BD, कैपिटल का लिख दो, ऑल 3 आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस 24,16,400 and 500। दिख रहा है? तीसरे पार्टनर का कैपिटल 500 रुपया है, उसको नबड़ा ही बताएगा पहले से। दिस इज रिजर्व फंड्स, या तो डेबिट बैलेंस रहेगा या तो बैलेंस बहुत कम रहेगा। रिजर्व फंड 18,000 है, पार्टनरशिप रेशियो दिया है कुछ 9,000, 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
क्या कर रहा है याद है, एडमिशन रिटायरमेंट में भी आता था, नॉर्मली एसेट में फाइनल अकाउंट में डालते थे, बट इधर दिखा, इधर क्या एसेट, इधर बैलेंस शीट है ही नहीं, किसको, तीनों पार्टनर को, इट इज लाइक अक्यूमुलेटेड लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज लाइक अक्यूमुलेटेड, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में भी याद रखना, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आए तो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट, लॉस अब पीएनएल आता ना वैसा ही है, सो टू एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, वो खर्चा बेचोगे किसको, एक रुपया आने वाला नहीं है, तो लॉस है, कौन बेयर करेगा, ऑल द थ्री पार्टनर इन पीएसआर, सो 3,000, 1,800 and 1,200, बाकी एसेट लायबिलिटी डाल दो रियलाइजेशन में, कुछ सन्ड्री एसेट्स, पूरा रियलाइजेशन बंद होने तक सब कुछ सेम है,
शट अप गाइस, हम लोग का ही चार जन का आवाज आ रहा है, तो अक्कल रखो यार, टोपले के जैसा भी है। And you shut your mouth for 20 odd minutes. जाओ बाहर जाके जितना बात करने का चिल्ला विल्ला के आ रहा है, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। Liabilities, I think you have only creditors and outstanding expense. RDD. RDD है वो तो external में, there are only two. RDD तो अलग ही है, they are not going to pay. External में दो और है, this is 60,600. Is that right? Yes, sir. Then you sell out the asset. What is the entry? Bank है ना? Plant and machinery realized 11,500. Investments 4,000. Stock 20. Debtors realized 19. Goodwill nothing, ignore. Creditors were paid at a discount. Realization expense alag hai. Unrecorded investment was taken over. तो वो तो taken over है, तो I think realized asset इतना ही है। 50? 45. Buy bank का to realization 54,500. Is there any asset taken over? Yes. Investment. Dharmendra लेके गया तो buy Dharmendra, capital या current? Capital. इधर current नहीं है अभी, capital है खाली। तो इन्वेस्टमेंट क्या भाव पे गया? 5,000. और कुछ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड से फर्क नहीं पड़ता, बुक में जीरो था, इधर 500 में गया। बाय का आएगा टू रियलाइजेशन 500. एसेट पार्ट आई थिंक खत्म हो गया। लायबिलिटी पेड ऑफ पे गया, व्हाट इज द एंट्री टू पे ऑफ लायबिलिटी? तो टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंस देखो क्या हो रहा है, आर वी पेइंग और इट इज बीइंग टेकन ओवर? रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बीइंग टेकन ओवर बाय जितेंद्र, तो वो अलग से करते हैं। व्हाट अबाउट आरडीडी, विल यू पे ऑफ? नो। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ दिया? 10% डिस्काउंट, मतलब 10,000 का 10% कम, 9 में पे किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कुछ दिया? कुछ भी है तो क्या करोगे? बुक वैल्यू। और कोई लायबिलिटी एक्स्ट्रा, कंटिंजेंट या अनरिकॉर्डेड है? खत्म। 57,600 टू बैंक का बाय रियलाइजेशन। देन आता है आपका टेकन ओवर, तो आई थिंक जितेंद्र कैपिटल आएगा, क्या लेके गया वो? लेके गया मतलब ही विल पे द एक्सपेंस, वी विल पे टू जितेंद्र। फायदा नुकसान नहीं है, जो हम पे करने वाले जो अभी जितेंद्र करेगा, हम जितेंद्र को एक्स्ट्रा पे करेंगे। कितना? 1,000. एक ही था ना लायबिलिटी, करस्पॉन्डिंग इफेक्ट बाय रियलाइजेशन 1,000. कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस 46,500 टोटल। इसको जाएगा इनो सर, वो इंसॉल्वेंट हो गया तो भी प्रॉफिट लॉस तो सबको शेयर करना, उसके बाद देखा जाएगा। जितेंद्र, धर्मेंद्र एंड देवा करो, डिवाइड करो, 23,250 इधर तक आ जाओ, रुक जाओ, यहां से चेंज हो गया। वेट, इधर आके रुक जाना।
इधर तक का क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम है ना? रियलाइजेशन एक्सपेंस टेकन ओवर पहले भी किया हमने, अनरिकॉर्डेड एसेट, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड से कोई फर्क नहीं, चार ही है मेन एंट्री, एसेट सोल्ड, एसेट टेकन ओवर, लायबिलिटी पेड ऑफ, लायबिलिटी पार्टनर लोन तो है नहीं, हो गया डन। अभी नॉर्मली आप क्या करते हैं, सबके पास पैसा होता तो किसी का सरप्लस है तो पे ऑफ करते, डेफिसिट है तो मंगवा ले, टू बैंक क्या बाय बैंक ले देते, खत्म करते। बट अभी सिचुएशन क्या हुई है पढ़ो, उधर देवानंद बिकम्स इनसॉल्वेंट एंड इस प्राइवेट एस्टेट रियलाइज ओनली 1000, मतलब घर बार सब निकाल के बेच के कितना पैसा आया, 1000 रुपया, दैट्स इट। अभी जो बंदा इंसॉल्वेंट होगा ना, ऑटोमेटिकली कैपिटल में उसका डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस हुआ तो लफड़ा ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंड? क्रेडिट बैलेंस मतलब बिजनेस हैज टू पे हिम, तो वो इंसॉल्वेंट हो तो भी हम तो पैसा दे देंगे, हम लोगों क्या प्रॉब्लम है, उसको लाना है। देवानंद का बैलेंस देखो कौन सा साइड पड़ा है, डेबिट, मतलब बिजनेस हैज टू पे और बिजनेस हैज टू रिसीव, कितना रिसीव करना है, डेबिट माइनस, उसके लिए एक नोट बनाना है, ये नोट कांस्टेंट रहेगा इंसॉल्वेंसी का, हर एक सम में आएगा, ओके देवानंद के लिए ये नोट बनेगा, ओके पहला स्टेप लिखने का है अमाउंट ड्यू फ्रॉम देवानंद, अमाउंट ड्यू फ्रॉम देवानंद, सबसे पहले इंसॉल्वेंट पार्टनर को टैकल करना है, ठीक है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम देवानंद कैसे ढूंढते हो आप, डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट, व्हाट इज द डेबिट ऑफ देवानंद, 10,500 माइनस क्रेडिट, मतलब 6,400 देवानंद से लेना बाकी, बराबर है। पैसा होता तो घर से ला पाता, बट नहीं है, कितना ला पा रहा है तो वो ले लो, उसका क्या एंट्री करोगे, कैश की देवाना, जो दे रहा है पूरा ले रहा तो पूरा ही ले, बाय कैश लिखते, 1000 रुपया दे रहा है तो उसका एंट्री करो बाय बैंक, बाय बैंक कितना है 1000, और बैंक में आएगा टू देवानंद 1000, जितना ला रहा है उतना तो रिकॉर्ड करो, और इधर आप माइनस करो, इधर एंट्री मारो पहले बाय बैंक और टू देवानंद, ये समझ आया, पूरा नहीं लाया खाली 1000 लाया, और इधर लिख लो लेस ही ब्रिंग्स या ही गेट्स कितना, तो 1000, ही ब्रिंग्स 1000 रुपीज, ही ब्रिंग्स 1000 रुपीज, उसके बाद जो 5400 बच गया उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी, क्या बोलते हैं डेफिशिएंसी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेफिशिएंसी, डेबिट बैलेंस ऑफ इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल इज कॉल्ड डेफिशिएंसी, डेबिट बैलेंस इन इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी, व्हाट इज द डेफिनेशन, डेबिट बैलेंस ऑफ एन इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज कॉल्ड कैपिटल डेफिशिएंसी, इसको क्या बोलते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी, नॉर्मल डेबिट बैलेंस इन कैपिटल इज नॉट कैपिटल डेफिशिएंसी, खाली डेबिट बैलेंस होने से डेफिशिएंसी नहीं हो गया, क्या बोला, डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज कॉल्ड कैपिटल डेफिशिएंसी, व्हाट इज द डिफरेंस, नॉर्मल डेबिट बैलेंस मतलब इज कैपिटल डेफिशिएंसी, नो, ही हैज मनी एट होम, विल गेट इट, ही हैज मनी एट होम, विल गेट इट, वो नॉर्मल है, वो सॉल्वेंट है, दैट इज नॉट डेफिशिएंसी, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डेफिशिएंसी, डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल, मतलब घर पे भी पैसा नहीं है, इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ देव आनंद, डेफिशिएंसी ऑफ देवानंद इज हाउ मच, 5400, मतलब बिजनेस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है देवानंद को, पैसे ला पैसे ला पैसे ला, तेरे से 5400 चाहिए, तू नहीं लाएगा तो मैं बाकी दो को कैसे चुकाऊंगा, बिजनेस के पास पेड़ तो नहीं है पैसे का, बैंक में वही पैसा वो चुका सकता है ना जो पार्टनर लाएगा, आर यू गेटिंग इट, तो बैंक बोल रहा है देवानंद को पैसे लेके आ पैसे लेके आ, देवानंद बोला पैसा नहीं है, तो बैंक किसके तरफ घूमेगा, अपना बिजनेस किसके तरफ घूमेगा, जितेंद्र और धर्मेंद्र, तुम लेके आओ, वो नहीं ला रहा तो तुम लेके आओ, तो जितेंद्र धर्मेंद्र बोले हम क्यों लाए, हमारा तो ऑलरेडी सरप्लस पड़ा है, तो बिजनेस बोला अच्छा 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 तुम नहीं ला रहे हो ना,
तुमको मैं कम दूंगा, तुमको मैं कम दूंगा, भुगतो। बोला हम क्यों भुगते हैं? बोला पार्टनरशिप में हो, पार्टनरशिप में तो भुगतना पड़ेगा। अगर एक पार्टनर पैसा नहीं ला पा रहा है तो बाकी दो पार्टनर को बिजनेस उतना पैसा कम देगा। कॉमन सेंस, इज दिस क्लियर? दैट इज द मीनिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का कंसेप्ट समझ रहे हैं? जो एक पार्टनर घर से पैसा नहीं ला पा रहा है तो अगर वो ला नहीं पाएगा तो बिजनेस छुड़ाएगा कहां से? बिजनेस के पास अलग से तो कोई पैसा फंड है नहीं, जो वो लाएगा वही उसमें से इनको देना है। तो अभी वो कितना कम ला रहा है? हाउ मच इज नॉट एबल टू ब्रिंग दैट 50 400, उतना ही बिजनेस विल पे लेस टू जितेंद्र एंड धर्मेंद्र, इन विच रेशियो? यस सर, जो रेशियो में प्रॉफिट शेयर हो रहा था वही रेशियो में ये लोग लॉस बेयर करेंगे। इज दिस क्लियर? दिस इज वेरी सिमिलर टू बैड डेट्स। जैसे डेटर से, अभी ये बिजनेस का डेटर है, देवानंद इज लाइक बिजनेस का डेटर, पैसा लेना बाकी है, वो नहीं लाया तो बैड डेट हो गया, लॉस हो गया। वो लॉस कौन बेयर कर रहा है? एग्जिस्टिंग पार्टनर जितेंद्र एंड धर्मेंद्र। तो उनका कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो एक जर्नल एंट्री ही सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी शेयर करने के लिए। तो ये जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ देवानंद विल बी शेयर्ड बाय धर्मेंद्र जितेंद्र सर, जितेंद्र एंड धर्मेंद्र इन पीएसआर, विल बी शेयर्ड बाय जितेंद्र एंड धर्मेंद्र इन पीएसआर। डेफिशिएंसी ऑफ देवानंद विल बी शेयर्ड बाय जितेंद्र एंड धर्मेंद्र इन पीएसआर। व्हाट इज द पीएसआर ऑफ जितेंद्र? 5:3, राइट? डिवाइडेड 5:7 by 2025 इतना किसको कम मिलेगा? इतना किसको कम मिलेगा? धर्मेंद्र। और क्रेडिट किसको जाएगा? देवानंद। उसका कैपिटल बंद करना है। जैसे बैड डेट की एंट्री क्या होती है? बैड डेट टू डेटर, और ये बैड डेट लॉस है तो पीएनएल टू बैड डेट, और लॉस हुआ तो कैपिटल घटा तो कैपिटल टू पीएनएल। तो इसमें बैड डेट कट, पीएनएल पीएनएल कट, तो नेट एंट्री क्या बनी? कैपिटल टू डेटर। डेटर कौन है यहाँ पे? देवानंद। और कैपिटल किसका घट रहा है? वॉट इज द जर्नल एंट्री टू शेयर दिस डेफिशियंसी लॉस? इट इज सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल टू इनसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल। सिंपल, सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल टू इनसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल। मतलब इन अवर सिचुएशन इट विल बी जितेंद्र कैप धर्मेंद्र कैप टू देवानंद कैप। कितना ये बेयर करेगा? 337 का इसका कैपिटल घटा 2025 से इसका कैपिटल घटा, और सामने देवानंद का बड़ा नहीं, देवानंद का कैपिटल इंक्रीज नहीं हो रहा है। व्हाट आर वी डूइंग? क्रेडिट देने के बदले वी आर सिंपली शटिंग इट डाउन, वी आर सिंपली शटिंग इट डाउन। समझ में आया? ऐसे मत होता है कि जितेंद्र और धर्मेंद्र का कैपिटल घटा और देवानंद का बढ़ गया, ऐसी वो गुडविल का एंट्री मारते थे आप, एबी टू सी, एबी का घटता था सी का बढ़ता था, सेम था, बट उधर तो उसका बढ़ के उसको पैसा देना था, इधर क्रेडिट देने का लॉजिक क्या है? शट डाउन इज कैपिटल, अभी कोई पैसा आने वाला नहीं है। समझ में आया? तो दिस इज व्हाट हैपेंस इफ यू आर इन जनरल पार्टनरशिप। अगर कोई एक बंदा पैसा नहीं ला पाता तो ऑटोमेटिकली बाकी दो को वो लॉस बेयर करना पड़ेगा और उनका कैपिटल क्या होगा? कम हो जाएगा। अभी मतलब बिजनेस उनको ज्यादा देगा कि कम? लॉजिक समझा? एक पार्टनर कम ला रहा है तो बिजनेस बाकी दो को कम देगा। कितने रेशियो में कम देगा? पीएसआर। एंट्री क्या है? सॉल्वेंट टू जितेंद्र धर्मेंद्र का घटेगा, देवानंद का बढ़ के नलीफाई हो रहा है। बढ़ेगा नहीं, नलीफाई बढ़ेगा, मतलब क्रेडिट होकर नलीफाई हो रहा है। अभी आगे भी पैसा आने वाला नहीं। नाउ पोस्ट दिस, जितेंद्र धर्मेंद्र टू देवानंद, तो जितेंद्र टू देवानंद, जितेंद्र में टू देवानंद, ये गुडविल का केस 5 है ना, सेम है,
एबी टू सी वही सीन है. जितेंद्र टू देवान, जितेंद्र में टू देवान कितना दिख रहा है, इसका कैपिटल डेबिट हो रहा है मतलब घटा. फिर देवानंद में आएगा बाय जितेंद्र क्या, इसका क्रेडिट हो गया मतलब कितना नलेफाइड, अभी पैसा आने वाला नहीं. जैसे बैड डेट टू डेटर में डेटर को कैसे क्रेडिट दिया, डेटर को क्रेडिट देने का मतलब ये क्या, ये थोड़ी कि पैसा दे रहा है, शटिंग डाउन डेटर्स अकाउंट. आर यू गेटिंग इट? हेलो. डेटर पैसा देता है तो कैश टू डेटर, डेटर नहीं देता तो बैड डेट टू डेटर. तो डेटर घटा लेकिन अभी पैसा नहीं दिया, बंद करना इसके लिए घटा. यहां पर धर्मेंद्र टू देवानंद, तो धर्मेंद्र में टू देवानंद 2025 और देवानंद में बाय धर्मेंद्र कैपिटल कितना 2025. इन दोनों का डेबिट हो गया मतलब इनको पैसा अभी मिलेगा कि नहीं, और उसका क्या किया मैंने नलीफाई कर दिया, दिख रहा है नलीफाई किया, क्रेडिट देके अभी ये पैसा बंद हो गया, अभी आने वाला नहीं, अकाउंट इज क्लोज. तो दिस विल टैली, देवानंद में कुछ डिफरेंस आने वाला नहीं. कौन खा गया इसका डेफिशिएंसी, बस ये दो का पैसा जो भी है वो सेटल करो टू कैश या बाय कैश, इनके पास तो पैसा है. कौन सा साइड, यही साइड 21834 सरप्लस ही आ रहा है, इसका डेफिसिट भी आने दो, ये इसमें उधर भी आने दो बाय, तो भी तकलीफ नहीं है. क्या लिखोगे जितेंद्र और धर्मेंद्र में कुछ भी डिफरेंस आएगा क्या लिखोगे, इधर इधर आया तो टू बैग, इधर आया तो बाय बैग. इनके पास घर पे पैसा है ये ला पाए, इनमें से कोई इंसॉल्वेंट नहीं. इंसॉल्वेंट कौन था, देवान. टू बैंक कितना आ रहा है डिफरेंस, 4375 बाय जितेंद्र एंड बाय धर्मेंद्र कितना है 3437535 टैलीज ऑन व्हाट 65500. तो इंसॉल्वेंसी का कैसे करना है, व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंसी, घर पे पैसा नहीं है, नहीं तो ला पाएगा क्या, उसके लिए पहले चेक करने का कितना लेने का, कितना लेने का, हाउ विल यू फाइंड आउट कितना लेने का, डेबिट माइनस क्रेडिट, फिर ले लो जो लाया वो तो ले लो, भागते बूट की लंगोट सही, जो आया वो ले लो. ओके, जितना मिलता है उतना रिसीव करो, तो 1000 मिला ले लो, जो नहीं ला पाया, जो नहीं ला पाया वो हम लोग काट लेंगे किसमें से, बाकी दो, क्योंकि जनरल पार्टनरशिप है, एक का लॉस बाकी दो को बेयर करना पड़ेगा. तो एंट्री क्या है, उसका लॉस शेयर करने के लिए सॉल्वेंट टू इनसॉल्वेंट, सॉल्वेंट का घटेगा इनसॉल्वेंट का बढ़ेगा, बढ़ेगा इन द सेंस बंद करना, अभी कोई पैसा आने वाला नहीं, बाकी दो का तो नॉर्मल है. लास्ट सम, सम नंबर 21 ड्रॉ करो फटाफट, जॉय हैप्पी एंड रेकलेस. नोट किया कॉपी, नोट हर एक सम में आना है, ये इंपॉर्टेंट है ये नोट. हेलो, हर एक सम में बनाएंगे, हाँ ये नहीं, ये सब सब लिखना है भाई, टाइम पास के लिए नहीं बनाया. Thank you.
इसका है वो क्या मालूम था देश में का लाओ लाओ वोट इन दो मसाला 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 ड्रॉ करो और फर्स्ट तीन स्टेप छुड़ाओ बराबर कम ऑन तोड़ देगा यार अरे सर निराश के आ जाओ सी सम नंबर 21 नाउ अभी फर्स्ट थ्री स्टेप्स रिमेन द सेम शटिंग डाउन एंड प्रॉफिट लॉस तक सब कुछ सेम है उड़ाओ फटाफट जॉय हैप्पी एंड रेकलेस पार्टनर्स इन केयर फ्री एंड कंपनी ऊपर बिजनेस का नाम आएगा इन द बुक्स ऑफ केयर फ्री एंड कंपनी ओके प्लीज बी क्वाइट शुरू करो कैश रॉकलेस नहीं है रेकलेस कैश बैंक दोनों है सिक्योर फ्रॉम स्टॉक मतलब स्टॉक को गिरवी रख के लिए डजेंट मैटर अपने पास जब वो इंस्टॉलमेंट सब लोग इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे तभी वो ऑर्डर इम्पोर्टेंट है कि वो सिक्योर को पहले चुकाओगे फिर अनसिक्योर्ड फिर लोन लाइबिलिटी बट इधर नॉर्मल है वो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सब लाइबिलिटी नॉर्मल ही सबको पैसा चुकाने का 1,08,000 रेकलेस का इट इज 2,000 हैप्पी कैपिटल इज ऑन एसेट साइड दिस इज 10,000 ओके डज इट मीन दैट हैप्पी इज इंसॉल्वेंट नो डेबिट बैलेंस डजंट इंडिकेट इज इंसॉल्वेंट ओके दिया होगा सम में कौन उठ गया देखो रॉकलेस नहीं है रेकलेस है रेकलेस बिकम्स इंस्टॉलमेंट मिला डिविडेंड ऑफ 70 paise इन रूपी वॉज डिक्लेयर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट मिला हु इज इंस्टॉलमेंट रेकलेस कौन इंस्टॉलमेंट है रेकलेस इज इट क्लियर रॉकलेस नहीं हो चेंज करो रेकलेस चलो फ्रेंड्स पहला फर्स्ट थ्री स्टेप उड़ाओ ये 95 आया बिग एंट्री बहुत छोटा है ओनली 2 एसेट स्मॉल बिजनेस केयरफुल
लोन फ्रॉम क्या? विल यू मेक अ सेपरेट अकाउंट फॉर दैट लोन? व्हाई? ही इज नॉट अ पार्टनर. कॉमन सेंस. ही इज नॉट अ पार्टनर. नॉट अ पार्टनर तो इंटरनल नहीं है ना, एक्सटर्नल लायबिलिटी नॉर्मल. अभी ये सिक्योर्ड बाय स्टॉक है, मतलब वो गिरवी, स्टॉक गिरवी रख के लोन लिया. बट सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सब लायबिलिटी इधर सेम रखना है. बहुत पैसा है, सबको चुकाएंगे. जब पैसा नहीं होगा ना तभी डिस्टिंक्शन करेंगे. अभी सिक्योर्ड वाले ऊपर, फिर अनसिक्योर्ड, फिर पार्टनर्स लोन, फिर कैपिटल. Now, what's your second step? Sell out the asset. So buy cash. Buy cash. Cash sale value देखो. Stock realized 120, debtors 40. Debtors 40, stock 120. Is there any asset taken over? Check. है कुछ? नहीं है. ये है? नहीं है. तो एसेट पार्ट खत्म. लाइबिलिटी पे जाओ. पे ऑफ द लाइबिलिटी टू कैश बैंक लिखना, दोनों है. कैश स्लैश बैंक. कैश बैंक. क्रेडिटर्स आर पेड 39,000 इन फुल सेटलमेंट. मिला. व्हाट अबाउट लोन फ्रॉम केयरफुल? कुछ दिया है? तो क्या करो? पे ऑफ बुक वैल्यू पे 50 पूरा, और रियलाइजेशन एक्सपेंस भी है ना, 1000. तो 90 आया बाय रियलाइजेशन. हो गया एसेट लायबिलिटी पार्ट खत्म. नथिंग हैज बीन टेकन ओवर. फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस. 270 लॉस है. 20 का लॉस है. इधर तक मैंने कुछ अलग नहीं किया, दिख रहा है आपको? टिल दिस पार्ट द सम इज सेम. What is the ratio? 8, 8 and 4. इधर आके रुक जाओ. प्रॉफिट लॉस तक सब कुछ सेम है. नाउ यू वेट. इधर आके रुक जाओ. हो गया यहां तक? यहां तक का सब स्टेप सेम था. आया यहां तक हमने क्या किया? सिंपली सोल्ड द एसेट, पेड ऑफ द लायबिलिटी, कैलकुलेटेड रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस. अभी इधर आके नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? टू बैंक बाय या टू कैश बैंक बाय कैश बैंक. कैश बैंक दोनों टू कैश बैंक बाय कैश बैंक बराबर है. बट इधर ऐसा नहीं कर सकते. इधर रुक जाना है. पहले देखना है कोई तो एक उठ गया है ना. कौन बैंकक्रप्ट हुआ है? रेकलेस. रेकलेस तो रेकलेस से पैसा लेना होगा कि उसको देना होगा? ऑब्वियसली लेना होगा. देना होगा तो प्रॉब्लम ही नहीं. वो सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट है, कुछ देखने का जरूरत ही नहीं. पे ऑफ फिनिश. लेना है पैसा, लेना है तो कितना लेना है? मेक अ नोट. वर्किंग नोट फॉर रेकलेस. देखो इधर अमाउंट ड्यू फ्रॉम रेकलेस. अमाउंट ड्यू फ्रॉम रेकलेस कैसे ढूंढते हो? डेबिट माइनस क्रेडिट. आर यू लिस्टिंग? डेबिट माइनस क्रेडिट. तो डेबिट में कितना है उसका? रेकलेस का 4. माइनस क्रेडिट में कितना है? 2. तो कितना लेना है उससे? 2. 2000 लेना है. मिला. But he is not able to bring that 2000. How much he is able to bring? Check. 70 paise in a rupee. तो मतलब 70%
ऑफ व्हाट 70% ऑफ 2000 ऑब्वियसली तो कितना होता है 1400 तो वो एंट्री कर लो क्या करो बाय कैश बैंक कितना 1400 और कैश बैंक में टू रेकलेस 1400 जैसे लास्ट सम में वो 1000 लाया था है ना ये सम में 1400 लाया लास्ट सम में 1000 लाया था ये सम में 1400 लाया हेलो इधर से भी सब्ट्रैक्ट करो लेस ही ब्रिंग्स 1400 He brings 1400. ओके ही शी व्हाटएवर ही ब्रिंग्स 1400 देन अगर सब लेके आता तो सबके लिए एंट्री करते भाई कैश बैंक सब नहीं लाया 1400 ही लाया 600